The Arvind Kejriwal versus Narendra Modi contest in Varanasi promises to be an exciting one. Headlines today catches the mood in the temple town. Take a look. It is the most highly anticipated fight of 2014. Narendra Modi versus Arvind Kejriwal. From a laid-back holy town, Varanasi is turning into a bustling political arena. 25th March is when Kejriwal will hold his rally and take what is being referred to as a referendum on whether the people of Varanasi want him to take on Modi. A city viewed as a BJP stronghold, but will Modi have a fight on his hands if Kejriwal contests? Aaj Kejriwal लड़ेंगे बहुत अच्छा मोदी को हराने में सक्सेसफुल हो सकते हैं वाराणसी हैज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन दे कुड होल्ड द की टू हु विंस बाकी वोट जो है तो केजरीवाल को भी जो है अच्छा वोट मिलेगा उनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं यहाँ से खड़े होना उनके लिए ये जरूर है कि मुस्लिम समुदाय के लोग अरविंद केजरीवाल की इस लड़ाई में उनका भारी संख्या में समर्थन और साथ देंगे ये जरूर मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक अलग प्रकार की उम्मीद और भरोसा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जगा है पिछले दिनों उनके जुड़ने की संख्या हमारे साथ काफी बढ़ी है मोदी सपोर्टर्स मीनवाइल बिलीव दैट देयर इज नो कंपटीशन बनारस में केजरीवाल का क्या स्थान है न जातिगत आधार पर न सांस्कृतिक आधार पर न किसी अन्य आधार पर बनारस को जानते ही नहीं है बनारस में आए ही नहीं है उनको बनारस के बारे में उनको क्या पता केजरीवाल का बनारस में कोई आधार अगर मान लीजिए चुनाव लड़ते हैं तो केजरीवाल को हमको लगता है कि 15-20 हज़ार से वोट उनको अधिक नहीं मिलेगा मोदी सर बेस्ट हैं और हम लोग मोदी सर को लाइक करते हैं रो आएंगे यहाँ पर डेवलप करेंगे और बहुत अच्छा बनारस को बनाएंगे अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में उन्होंने राजनीति देखी है वो हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है Of course, everything depends on the 25th March referendum rally, where Varanasi will see a contest people feel only if Kejriwal takes up the challenge. With Rohit Singh in Varanasi, Bureau Report, Headlines Today.